तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज टॉपिक करेंगे बच्चा जी प्लस टू साइंस के लिए ही। टॉपिक का नेम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। कल जो पढ़ा था वो था हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंस पढ़ा था उसका कि हाँ वर्किंग तो वही है जो इलेक्ट्रिक मोटर में है, वर्किंग तो वही है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में है। मीन्स वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, बट एक स्लाइटली सा डिफरेंस था उसमें। वो टॉर्क लगातार घुमा रही थी उस रेक्टेंगुलर कॉइल को, बट यहां पर वो उसको रोटेट करवाती है मैक्सिममली हाफ रोटेशन तक। ओके, अब जो पढ़ेंगे कि वो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में। बट उसे स्टार्ट करने से पहले हल्का सा और रिकैप्चुलेट कर ले जो कल लास्ट पे हमने पढ़ा था। जहां से हम आगे स्टार्ट करेंगे वहां पर पढ़ा था कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। कैसे, फिर से देखने के बाद, गैल्वेनोमीटर है, रेसिस्टेंस ज्यादा है, मींस करंट उससे कम, उसमें कम फ्लो करता है। अभी वो सेंसिटिव तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कल सेंसिटिविटी के बारे में भी पढ़ा था। सेंसिटिविटी था क्या, अगर करंट की सेंसिटिविटी की बात करें या वोल्टेज की सेंसिटिविटी की बात करें, दोनों ही केसेस में क्या थे बच्चा जी कि हल्की सी वोल्टेज दें या हल्का सा करंट दें और वो अपनी ओर से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे सके। तो इसका मतलब उसमें नेचुरल सी बात है कि करंट कम फ्लो करेगा। अगर ज्यादा फ्लो करवाएंगे, ज्यादा फ्लो करवाने का मतलब रेसिस्टेंस कम, तो उसमें बच्चा जी अगर ज्यादा फ्लो करवाएंगे करंट तो क्या हो सकता है कि वो खराब हो सकता है। ओके, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है इसकी हमें पता है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ जी, रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर करंट भी बहुत ज्यादा हो गया तो हमारे पास था W या एनर्जी आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो दोनों केसेस ज्यादा, तो ये खराब हो गया क्योंकि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया ये। ओके, तो करंट हमेशा इसमें से जो फ्लो करता है बच्चा जी वो बहुत कम वैल्यू का होता है और वो डिपेंड है उसकी करंट की सेंसिटिविटी या उस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के ऊपर, चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो। दोनों केसेस में बच्चा जी अगर वोल्टेज कम देंगे तो इसका मतलब करंट कम देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसी वोल्टेज उसी पोटेंशियल डिफरेंस से करंट आ रहा है तो उसकी वैल्यू लेस, तो ये अपनी ओर से ज्यादा डिफ्लेक्शन देने की कोशिश करेगा। तो जो ज्यादा डिफ्लेक्शन देने की कोशिश करेगा वो बच्चा जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो गैल्वेनोमीटर सारे के सारे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, ताकि अगर हल्का सा भी करंट और उसके रेसिस्टेंस तो बहुत ज्यादा, अगर हल्का सा भी करंट दिया तो उसने बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे देनी हैवी अमाउंट की। ओके, ये हमने पढ़ा था कल। ओके, अब तो अभी आपके दिमाग में ये दो कंसेप्ट होने बहुत जरूरी है कि करंट की वैल्यू उसमें बहुत लेस फ्लो करती है और लेस करंट से ही वो बहुत डिफ्लेक्शन दे देता है हाई, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है गैल्वेनोमीटर की। ओके, अब ज्यादा करंट दे दिया तो बच्चा जी इसके अकॉर्डिंगली गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। तो अब ये जो पढ़ा ये लिख लेना कॉपी पे बच्चा जी, जो मैंने अभी बोला है रिकैप्चुलेट करना था कर लिया, थोड़ा सा रिकैप करके इसको लिख ले। अब तो अब बच्चा जी मान लो कि मैंने इसी गैल्वेनोमीटर को किसी वायर से साथ अटैच करना है, जैसे कि ये रहा मेरे पास बैटरी, और बैटरी की जो ये बच्चा जी वैल्यू है ये बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। ओके, ये जो इसकी वैल्यू है बच्चा जी बैटरी की, इसकी वैल्यू बहुत हाई है, मींस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है। इस रेसिस्टर को हम इस रेसिस्टर की ओर इसको चलाना है हमने। ओके, और साथ में बच्चा जी यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया फाइंड करने के लिए कि डायरेक्शन किस साइड को है, अप्रोक्सीमेटली हमें पता चल गया। और वो बच्चा जी हमें तो वैसे भी पता चल जाएगा कि गैल्वेनो, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो यहां से जाएगा और यहां से आएगा, तो हमें वैसे पता चल गया डायरेक्शन किस साइड को। बट बच्चा जी क्या मैं इस गैल्वेनोमीटर को इसके अंदर यहां पर इंसर्ट कर सकता हूं? मान लो मैंने यहां से डायरेक्शन नहीं फाइंड कर दी, मुझे डायरेक्शन चाहिए इसी से गैल्वेनोमीटर से, तो क्या बच्चा जी इसको मैं इस सर्किट के अंदर में लगाकर, क्योंकि अगर वोल्टेज हाई है तो करंट भी हाई होगा, तो करंट हाई है बच्चा जी तो इसका मतलब ये खराब हो सकता है, तो क्या मैं गैल्वेनोमीटर को ऐसे किसी सर्किट के अंदर अटैच कर सकता हूं? अभी ध्यान से चलना, हम यहां पर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या मैं इसको अटैच कर सकता हूं?
सिंपल अटैच सीरियसली अगर मैं ऐसे ही अटैच कर दूंगा तो बच्चा जी क्या होगा, क्योंकि अभी ये गैल्वेनोमीटर सीरीज में अरेंज किया गया है किसके साथ, इसके साथ, तो सीरीज में रेंज है, इसका मतलब करंट का लेवल काफी ज्यादा होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, अभी सीरीज में तो मैक्सिमम होगा, तो इसके अंदर से करंट हैवी अमाउंट में पास होगा, तो हैवी अमाउंट में पास हुआ तो बच्चा ये खराब हो सकता है। ओके, तो ऐसा मैं अपनी ओर से क्या करूं बच्चा जी कि ये गैल्वेनोमीटर से मुझे पता भी चल जाए कि डायरेक्शन किस साइड को है, पता इससे करवाना है। तो बच्चा जी इसकी कोई निडल होगी, मान लो ऐसे निडल है इसके अभी सेंटर पर है, जैसे ही इसके इस साइड से करंट फ्लो करा इस साइड को जाएगा तो ये इस साइड को आना चाहिए, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो बच्चा जी अभी आएगा तो आएगा कैसे, ओके ये जीरो मार्क था, तो अभी ये इसको इस केस ऐसे करंट को फ्लो करवाना तो वो करवाए कैसे, तो उसके लिए ऐसा हमें बच्चा जी क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने दिमाग में एक बात रखनी है बच्चा जी कि पैरेलल में क्या होता है, जब पैरेलल कनेक्शन थे हमारे पास रेजिस्टर्स के, तो उसमें बच्चा जी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है कि कम, कम हो जाती है, ओके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, और सीरीज वाले केस में रेजिस्टर्स अगर रीअरेंज हो तो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो इसी बात को यहां पर इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो बच्चा जी ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक और रेसिस्टर लगा देंगे। अब लगा दिया तो क्या होगा, अभी ध्यान से इस बात को देखना कि खराब नहीं होना चाहिए, ओके खराब नहीं होना चाहिए, अभी इसको मैंने इसके साथ लगा दिया यहां पर कैसे पैरेलल में, तो जो रेसिस्टर बच्चा जी हम ऐसे किसी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो बच्चा जी उसको हम बोलते हैं शंट, शंट रेजिस्टर, ओके शंट का मींस क्या होता है कि पैरेलल में रेजिस्टर लगाया गया है, ओके तो शंट उसे बोलते हैं, तो अब इसके साथ बच्चा जी इस रेजिस्टर को मैंने अरेंज कर दिया तो अभी होगा क्या, पैरेलल भी हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, अभी इसकी रेजिस्टेंस मान लो क्या है जी है, इसकी रेजिस्टेंस है एस, ओके तो दोनों दोनों कैसे लगे हैं बच्चा जी पैरेलल में है, जी है और एस है, तो दोनों केसेस में बच्चा जी क्या होगा, जी एस ऊपर आ गया, जी प्लस एस नीचे आ गया और आरपी ऐसे हो गया, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एस यहां आ गया, जी यहां आ गया, नीचे जी एस आ गया, तो इनवर्स किया तो जी एस ऊपर आ गया, जी प्लस एस नीचे आ गया, तो बच्चा जी यहां से क्या पता चला कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, अब इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में यह पता चला रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी गई, अब टोटली लेस हो गई है, तो इसका मतलब अब दोनों के कारण अभी हीटिंग इफेक्ट किसका था, इसका था, अभी इन दोनों के कारण, अभी इन दोनों का अभी ये लगा और ये लगा, कंबाइंड इफेक्ट एक बनाया मैंने, तो एक बनाने का मतलब क्या, इसको और इसको मैंने इकट्ठा करके एक बना दिया, वो क्या बना, आरपी बना, तो बच्चा जी ऐसे अब आरपी बन गया, तो इसमें ये जो अब आरपी होगा अब इकट्ठा है पैरेलल, तो इसकी वैल्यू क्या कम है, कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू अब क्या है, अब दोनों इकट्ठे, अभी दो में अलग अलग थे बच्चा, एक इस साइड को करंट था, एक इस साइड करंट था, ध्यान से समझना, करंट यहां से एंटर किया, कुछ करंट ऐसे गया और कुछ करंट ऐसे गया, अगर तो ऐसे ही अरेंज है, ओके पैरेलल में ही अरेंज है, तो बच्चा जी करंट थोड़ा इस साइड चला गया, थोड़ा इस साइड चला गया, तो ये गैल्वेनोमीटर अपनी आराम से रीडिंग दे देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, अब ये शंट रेसिस्टर जो लगा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा जी, कम होगी, रेसिस्टेंस की वैल्यू इसकी क्या होगी, कम, रेसिस्टेंस की वैल्यू रखी है हमने कम, तो यहां पर क्या बोलना चाहिए बच्चा जी कि गैल्वेनोमीटर खराब ना हो, कि हमने पैरेलल में एक ऐसा रेसिस्टर लगाना है गैल्वेनोमीटर के साथ जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो, ताकि यहां से जो करंट आए वो मैक्सिममली यहां से फ्लो कर जाए, और ये तो बहुत सेंसिटिव है, इसके अंदर से अगर थोड़ा सा भी करंट गया तो बच्चा जी इसने डायरेक्शन दे देनी है, तो दे दी तो हमने यहां से करंट की वैल्यू फाइंड कर ली, सॉरी गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन फाइंड कर ली करंट के किस साइड को है, तो जो हमने चाहा, जो हमने करना चाहा था वो हमने कर लिया, कैसे एक लोअर रेजिस्टेंस वायर जाए, एक लोअर रेजिस्टर को लगाया हमने पैरेलल में इसके साथ, तो बच्चा जी मैक्सिमम अमाउंट का करंट उसमें से फ्लो करा, बाकी यहां से गया, तो हमारे पास पता चल गया ये केस कि ये डायरेक्शन किस साइड को देगा, ओके ये बात समझ में आ गई। अब अगर बच्चा ये आपको अभी तक जो आपने समझा वो यही कि मैंने क्या करना है, मैक्सिमम सा अमाउंट
पैरल वाले केस से फ्लो करवा देगा ताकि थोड़ा सा इसमें से फ्लो करे, और बचा जी क्या हो जाएगा अगर थोड़ा सा इसमें से फ्लो करेगा तो ये हमें अट्रैक्शन दे देगा। अभी यहां पर आपको क्लियर है, एक आइडिया आपको मिल गया कि मुझे करना क्या है, इसकी वैल्यू लगानी कैसे है, और अभी इसी को चलाएंगे हम साथ में ताकि बना सके किसको, इसको या इसको। ये जो कंसेप्ट है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको थोड़ी देर बाद, इसको यहां पर लेके रहने देते हैं। क्यों थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चा जी अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा इसको यहां पर ही छोड़ते हैं, यहां से आपको ये समझ आ गई कि पैरेलल में लगा दिया ताकि मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो करे, थोड़ा सा यहां से फ्लो करे, थोड़ा सा भी गया तो उसने डायरेक्शन दे देनी, और हमें डायरेक्शन ही तो चाहिए थी गैल्वेनोमीटर की। ओके, सो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को हम किसी भी हायर अमाउंट का कोई भी अगर करंट फ्लो करता हो वहां पर भी लगा सकते हैं, बट उसके साथ पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा, एक लो रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर, ताकि मैक्सिमम करंट उससे फ्लो करे और यहां से हमें आराम से मिल सके डायरेक्शन। अभी ये क्लियर है, अभी क्या करना बच्चा जी, अभी बनाना है एमीटर और बनाना है वोल्टमीटर। ओके, तो यहां से आपको ये क्लियर अगर समझ में आ चुकी है बात, तो एक और थिंग, एक बहुत अच्छी थिंग है, वो क्या कि मान लो इसके अंदर से बच्चा जी जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करेगा, आईजी करेगा इसके अंदर से, और जो इससे फ्लो करेगा वो कौन सा करेगा, आईएस फ्लो करेगा। ओके, तो हमें क्या पता है ये जो करंट यहां से आ रहा है बच्चा ये कौन सा आई है, आई क्या है, आई एस प्लस आई जी है, ये गैल्वेनोमीटर के अंदर से, ये शंट के अंदर से। तो ये बात समझ में आ गई, तो अभी एक और बात समझ में लानी पड़ेगी, वो क्या, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में बच्चा ये जो वोल्टेज होगी यहां पर, एक अगर मैं नहीं लगाता जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आती बच्चा जी वही अक्रॉस इसके होनी थी, होनी थी क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, बट वो ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि थोड़ी वोल्टेज ये भी यूज करेगा क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एक हो गया, और साथ में ये एक लगा है, और ये दोनों आपस में कैसे है, सीरीज में है, तो सीरीज में बच्चा जी क्या होती है, वोल्टेज ब्रेक होती है। तो इस वोल्टेज से थोड़ी सी वोल्टेज बच्चा जी इस वी आर ने ले ली, और जो बाकी बची उसको मैं बोलूंगा वीजी। ओके, वीजीएस बोल देते हैं, जी और एस दोनों के कारण, ठीक है, तो वीजीएस यहां पर आई। तो बच्चा जी जो वोल्टेज यहां पर आई वो क्या है, वीजीएस, इसमें भी उतनी ही है, इसमें भी उतनी होगी, पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है, सो देयरफॉर वीजीएस इसके अंदर, वीजीएस इसके अंदर, ये दोनों सेम होगी। ओके, ये वीजीएस किसके अंदर थी बच्चा जी, ये जी की बात करूंगा, ये बच्चा जी किसकी, एस की बात करूंगा, तो दोनों में सेम सेम अमाउंट की है। तो यहां पर हमारे पास जो करंट आएगा वो क्या होगा, वी इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज है, तो यहां पर क्या बनेगा, वीजी साथ में एस आएगा, और यहां क्या होगा, आईजी साथ में जी आएगा, हो गया, सॉरी यहां पर ये जी के लिए था तो यहां पर जी आएगा, और यहां पर एस के लिए तो यहां पर एस आएगा। ओके, ये वाली वोल्टेज दोनों में सेम है, तो एक इसकी और एक इसकी, दोनों मैंने इक्वल्स टू रख दी और यहां से फ्लो करवाया, और यहां से जो ये एस के बीच में होगा ये आई एस होगा, इकट्ठा हो गया। तो यहां से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जी की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की क्लियर है हमें पता है, आईजी की वैल्यू आ सकती है, जो मैं शंट रेजिस्टर लगाऊंगा वो मुझे पता होना चाहिए, और अगर बच्चा जी मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पता, अब ध्यान से समझो एक बात को, मैंने फाइंड करना कि आईजी करंट कितना इसके अंदर से फ्लो करा वो मुझे नहीं पता, वो मुझे फ्लो पता करना है, इसके रेजिस्टर की वैल्यू मुझे पता है, रेजिस्टेंस मान लो जी है, इसको जो मैंने यहां पर शंट रेजिस्टर लगाया उसकी वैल्यू मुझे पता है एस है, बट बच्चा जी मुझे आई एस भी नहीं पता, तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहां से मैं आई एस फाइंड कर लूंगा, तो वो क्या होगा बच्चा जी, आई माइनस आई जी, तो आई एस यहां पर लिख दिया, आई माइनस आई जी और साथ में आ गया एस, तो यहां से आई जी आ जाएगा, वो क्या आएगा, आई माइनस आई जी साथ में आ गया एस अपॉन क्या आ गया जी, तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर मुझे यहां पर आई एस की वैल्यू पता है, आई एस की वैल्यू पता है, तो मुझे आई जी इलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई जी क्या होगा, आई माइनस आई एस, तो उसकी वैल्यू यहां पर लिख दें इस वाले केस में, तो वो क्या होगा बच्चा जी, आई माइनस आई एस और साथ में है जी इक्वल्स टू आई एस और साथ में एस, तो ये एस नीचे आ गया, एस नीचे आ गया, तो यहां पर आई एस की वैल्यू आ गई। तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहां से ये जो करंट निकल रहा होगा वो हमें प्रोवाइडेड होगा कि वो करंट कितना है। क्लियर,
डन, समझ में आ गई बात आपको बच्चा जी? तो ये हुआ हमारा डन। ये हुआ कि कैसे मैं गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकता हूं किसी हैवी करंट वाले केस सर्किट में भी। ओके, तो अब करेंगे गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में इसकी गैल्वेनोमीटर की एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन। तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इरेज करके बच्चा जी, आपको और क्लैरिफाई होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले पहले। तो अभी करते हैं गैल्वेनोमीटर के एमीटर में कन्वर्जन। तो करेंगे ऐसे बच्चा जी, सिंपल हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है। ओके, इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? एमीटर की रेसिस्टेंस क्या होती है बच्चा जी? लेस। क्यों लेस होती है? क्योंकि उसमें से करंट हमें क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि जिस भी रेसिस्टर में बच्चा जी, जिस भी सर्किट में मैं किसी एमीटर को लगाऊं, तो वो उतना ही करंट पैदा हमें शो करके बताए जितना यहां से निकल कर आ रहा है। ओके, किसी भी रेसिस्टर वाले केस में। ओके, तो यहां से कितना करंट फ्लो करके जा रहा है तो वो बच्चा जी हमें बताए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस होनी चाहिए कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है बच्चा जी, वो एमीटर रीड करके दे। तो उस वाले केस में क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस करनी है। ओके, तो करंट क्या चाहिए? करंट हमें चाहिए, अभी सिंपल गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग थोड़ी देगा कितनी है, नहीं देगा ना। तो हमें क्या चाहिए? करंट की वैल्यू कितनी है, ये फाइंड करनी है। ओके, तो करंट अभी ये हैवी अमाउंट का करंट होगा, तो ये खराब भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट केस। और उसके लिए हमने सोल्यूशन पढ़ा था, वो क्या? एक शंट लगा दो आप, कैसे? पैरेलल में। ओके, शंट लोअर सिस्टर शंट लगा दिया पैरेलल में ताकि मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो करके जा सके। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो ये किस लिए लगाया? ताकि इस जी की वैल्यू क्या हो सके, ये जी जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर, ये खराब ना हो। ओके, बट अब क्या? तो उस वाले केस में तो हमने इस एस की वैल्यू इस तरीके से अरेंज की थी बच्चा जी कि इसकी वैल्यू लो रेसिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसकी खुद की रेसिस्टेंस होनी चाहिए लो, ताकि करंट आराम से पास होकर जा सके। डन, क्लियर था हमें। अब यहां पर क्या करेंगे हम कि इस S की वैल्यू अपनी ओर से लेस या हाई हम कर ले, हमारे ऊपर डिपेंड है, ताकि हम ये जो करंट जितना जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो इसके मीटर में आ सके। जैसे अब ये जीरो मार्क होगा तो यहां से लेकर यहां तक मान लो क्या है, मैक्सिमम डेविएशन देगा एक साइड को, इस साइड को जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब इस ये जो हमारे पास एरिया होगा, ये जो हमारे पास रीजन होगा, इसके अंदर इसकी रीडिंग आनी चाहिए कितना करंट गया, तभी बताएगा ना, क्योंकि एमीटर तो बताता है कि करंट भी कितना है, उसकी डिवीजन की अकॉर्डिंगली डिवीजन कितनी है उसके अकॉर्डिंगली बताता है। तो गैल्वेनोमीटर तो सिंपल देता है एक साइड की डायरेक्शन ही, तो एमीटर क्या देगा कि कितना, अगर मैंने इसको इस पे कन्वर्ट कर दिया तो ये ऐसे बताएगा कि इतना गया जी। इसका मतलब यहां से कितने, ये यहां से कितनी डिवीजन इधर गया उसको हम काउंट करेंगे लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंगली, तो हमें पता चल जाएगा आराम से वो क्या कि कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, कितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जो पूरा यहां तक जाता था, अब उसको थोड़ा सा करवाना है डिपेंड कि कितनी एम, कितना करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो अगर वो पूरा नहीं गया, थोड़ा सा चला गया, इसका मतलब अब जो क्या बन गया है, एमीटर बन गया है। तो कितना अमाउंट का करंट जा रहा है तो वो शो करने लग पड़ा अभी, तो कैसे करेगा वो समझिए। तो वो कैसे होगा, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम एस की वैल्यू के लिए क्या लेंगे, लेस करें लो करें, हमारे ऊपर डिपेंड है। तो क्या अभी उसका क्या रीजन होगा कि ये लेस करें या लो करें, अभी ये क्वेश्चन है दिमाग में, तो वो रखना दिमाग में। अभी क्या, तो इसको मैंने पैरेलल में लगा दिया, तो अभी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस कर देंगे। तो अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस हो गई, तो अभी रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस होती जा रही है, तो अभी और लेस 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 कैसे होगी, जब हम इस एस की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, करते जाएंगे इसकी वैल्यू इंक्रीज की इंक्रीज करती जाए बच्चा जी, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट की इंक्रीज करें, तो क्या होगा बच्चा जी, जो करंट इसके अंदर से फ्लो करके जाना शुरू हो रहा था, अभी वो स्टार्ट करेगा कि इसके अंदर से मैं इजिली फ्लो करूं, क्योंकि हो सकता है ये एस की वैल्यू अब इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर जी से वैल्यू इंक्रीज हो गई बच्चा जी, जी की वैल्यू एस की रेसिस्टेंस से कम है, तो बच्चा जी करंट इजिली इसके अंदर से फ्लो करना शुरू करेगा। ओके,
बट अभी क्या, अभी दोनों मिलकर एक बनेंगे, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी तो बचा जी करंट एक ही साइड से फ्लो करना शुरू करेगा। तो हम सिंपल बोलते हैं ना बचा जी, अगर करंट ऐसे गया तो मैं दोनों को एक कर दूं, तो एक करने का मतलब क्या, अभी ये जी है अभी ये एस है, तो एक करने का मतलब क्या, अभी जी एस एक हो गया, ये दोनों एक बन गए, ये रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बन गई, वो क्या होगी दोनों के कारण, तो करंट एक से ही फ्लो करेगा। बट अब इस, अब दोनों को इकट्ठा करने के साथ क्या होगा, इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस हो जाएगी, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस, तो इसका मतलब इसके अंदर से अब हैवी से हैवी अमाउंट का करंट भी हम पास करवा सकते हैं। तो वो थिंग थी जो हमने, जो मैंने अभी यहां पर लिखा था पहले, तो जितनी हीट अमाउंट ये पहले प्रोड्यूस करता था, कितनी हीट अभी ये ले सकता है खराब ना हो सके, अभी भी वो उतनी ही रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो आरपी की वैल्यू थी ये डिक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि हैवी से हैवी करंट पास हो सके और ताकि ये उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी ये पहला अकेला करता था। पहले अकेला जो करता था हीट प्रोड्यूस, मीन्स मान लो कि ये इसकी जो वैल्यू बचाई, अगर इसके ऊपर 500 जूल की हीट आ गई तो ये खराब होगा, मान ले जाए गैल्वेनोमीटर खराब कब होगा, जब ये 500 जूल की हीट प्रोड्यूस करेगा, सपोज किया। तो बच्चा जी अब ये 500 जूल कैसे होगा, कितने टाइम तक है, ओके, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू कम है, क्या है, तो इसकी वैल्यू पहले अकेले की बहुत ज्यादा थी, इसकी वैल्यू कम थी, और ये सारी की सभी मल्टीप्लीकेशन की तो ये 500 से लेस रहती थी और ये खराब नहीं होता था। अब क्या होगा, अब बच्चा जी क्या किया गया, हमने क्या कर दिया, आर की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। आर की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज हुई, अभी आर की वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी। अब आर की वैल्यू डिक्रीज कैसे की, इसको साथ में लगाया, पहले गेरा था इसको साथ में लगाया, तो इक्विवेलेंट क्या बनी, तो वो आरपी बन गया, तो आरपी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होगी इसका मतलब यहां से मैं इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं इस तरीके से इंक्रीज करता जाऊंगी, अब भी ये 500 जूल से क्या हो, लेस ही रहे, क्योंकि इसका तो बचा नहीं, थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या है खराब होने की, 500 है सपोज किया जैसे, तो अभी भी 500 से लेस ही रह रही, तो इसका मतलब इजिली चलता जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, अगर करंट को उसके अंदर से इजिली फ्लो करवाना है, तो बचा जी उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या करवा दे, कम करवा दे। तो कम कैसे करवाई, पैरल में लगाकर, तो डन होगी चीज, समझ में आगी बात। तो अभी क्या होगा बच्चा जी, इसको साथ में लगाया, तो अभी मैं इस पूरे प्रोसेस को बोलूंगा कि अभी ये कहा बन गया बच्चा जी, एमीटर बन गया कि नहीं बन गया, अभी इसको इसके साथ अरेंज किया तो इक्विवेलेंटली करके देखा तो वो क्या बना, अभी फिर से वही केस पुराने वाला जो डिस्कस किया वही बन जाएगा। दोनों पैरल में लगाए थे, आर पी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो करंट इजीली फ्लो करता जाएगा, तो करंट फ्लो करना शुरू हो गया, तो वो केस क्या, अभी डिस्कस कैसे करेंगे इसको हम, हमारे पास क्या, अभी दोनों केस फिर से वही वोल्टेज जितनी इसके पास उतनी इसके पास, अभी यहां पर और कुछ भी नहीं लगा, तो देयरफॉर जितनी ये वोल्टेज होगी उतनी ही होगी बच्चा जी। अगर किसी रेसिस्टर की वैल्यू, अभी जो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू मुझे पता है बच्चा जी, कि गैल्वेनोमीटर मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हो, गैल्वेनोमीटर इतनी वोल्टेज ले रहा है, तो बच्चा जी जब वो और उसके साथ ही रेंज में हम इसको लगाएंगे, तो जितनी वोल्टेज ये ले रहा है उतनी वोल्टेज इसकी होगी, अगर कोई और रेसिस्टर लगी हो तो, अगर कुछ और नहीं लगा तो जितनी ये वोल्टेज उतनी ही ये उतनी ही ये, ओके, वोल्टेज मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ नहीं, ईएमएफ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी, वही यहां तक पहुंचेगी, ये आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा था। अब क्या होगा, जितनी वीजी के क्रॉस है उतनी वीएस के क्रॉस है, तो वीजी में क्या होगा, फिर से वही केस, आईजी साथ में क्या आया, जी, और यहां पर क्या होगा, आईएस साथ में क्या, एस। तो दोनों केसेस में जैसे जिसकी भी वैल्यू आप चाहिए आप फाइंड कर सकते हो, इसकी भी आ गई, और दूसरा क्या है हमारे पास, आईजी जी अपॉन एस, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो इनमें से अगर किसी की भी वैल्यू ना गिवन हो बचारी, जैसे हमें क्या चाहिए अभी बचारी, अभी इनमें से अगर किसी की भी वैल्यू ना गिवन हो, अभी गिवन हो कैसे सकती है वो भी समझना पड़ेगा, और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा इसके, वो क्या, अभी वो भी समझते हैं कि मान लो बच्चा जी मुझे आईजी की वैल्यू वो नहीं दे रहे, वो आईजी की वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, ओके, वो आईजी की वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट अगर आईजी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो हमारे पास उन्होंने ऐसे बोला है कि ये जीरो मार्क है और लेफ्ट साइड की ओर ऐसे उसकी कितनी डिविजन है वो हमें एन गिवन है,
एन रीजंस गिवन है। अभी ये किसी एक साइड को जाएगा तो बच्चा जी वो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक साइड को गया तो इसका मतलब उस साइड की, अभी इसके अंदर से मैक्सिमम करंट कैसे फ्लो करेगा, कितना फ्लो होगा, जब ये यहां पर आ गया तो उसको बोलेंगे ना मैक्सिमम करंट आईजी, अकेला पहले था तो इसके अंदर से करंट कितना गया तो ये कितना मैक्सिमम इधर चला गया तो वो उसका इसका आईजी, तो मैक्सिमम करंट इसके अंदर से कितना फ्लो कर रहा है तो वो बच्चा जी क्या होगा। देखिए हमारे पास क्या है, एन, एन गिवन है, ये क्या है नंबर ऑफ डिविजन कितनी होगी इस साइड को, मैक्सिमम कितना गया वो एन गिवन है हमें, और साथ में क्या गिवन होगा कि पर डिवीजन की वैल्यू गिवन होगी किसकी, करंट की, पर डिवीजन करंट की वैल्यू गिवन होगी हमें, उसको वो बोल रहे हैं के, और उसको बच्चा जी आप बोलोगे फिगर ऑफ मेरिट, क्या बोलोगे फिगर ऑफ मेरिट। अभी अगर तो आपको आईजी की वैल्यू दे रहे हैं तो डन, अच्छी बात है, दे रहे हैं क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रहे तो आपको दिया क्या उन्होंने, उन्होंने गलवैनोमीटर, अभी आईजी का मतलब क्या है जो गलवैनोमीटर के अंदर से पास हो रहा है, आईजी की वैल्यू का मतलब क्या गलवैनोमीटर के अंदर से जो पास हो रहा है, तो बच्चा जी वो आईजी क्या होगा कि मैक्स, अभी ये डिवीजन ऐसे है अगर उसके अंदर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो वो बाद में ऐसे हो गया तो इसका मतलब क्या कि इतना करंट फ्लो कर रहा है तो मैक्सिममली पूरा एंड तक लाई किया गया है वो, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास उसकी गिवन है गैल्वेनोमीटर की, फिगर ऑफ मेरिट क्या है कि पर डिवीजन कितना करंट है उसके अंदर फ्लो कर रहा है, ओके, पर डिवीजन उस गैल्वेनोमीटर का कितना करंट फ्लो कर रहा है, जहां आप जिसको हम बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या समझते थे किस, अगर जैसे एमीटर वोल्टमीटर का हम लीस्ट काउंट बोलते हैं कि वो जीरो मार्क पर है तो पहली डिवीजन कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है, तो पहली डिवीजन अभी जीरो मार्क पर होगी कोई चीज, जैसे अभी ये एमीटर की बात करूंगा तो यहां पर उसकी ऐसे डिवीजन्स है, तो अगर वो यहां पर जीरो मार्क पर है तो ये पहली दूसरी तीसरी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऐसे डिवीजन्स है तो ये कम से कम कितना मैयर करेगा, अभी इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये यहां पर है तो कम से कम फ्लो करने का, अभी इसके अंदर और डिवीजन नहीं है, अगर तो और होंगी तो बच्चा जी इसका मतलब लीस्ट काउंट इसका क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा, कम से कम अगर इसके अंदर एक आधी डिवीजन और होगी तो बच्चा जी अगर वहां पर इसके ये डिटेल गई तो इसका मतलब ये यहां तक का भी मैयर कर सकता है, इतना ये लीस्ट काउंट मैयर कर सकता है, ओके। बट अगर उसकी बच्चा डिवीजन ये है तो बच्चा जी इसका मतलब मिनिममली वो उसकी जो पहली डिवीजन तक कितनी रीडिंग आ रही है वो मैयर करता है कि उसकी करंट उसका लीस्ट काउंट क्या है, आपने इस बात को टेंथ में पढ़ा था प्रॉपरली। तो अभी गैल्वेनोमीटर तो सेंटर में से है तो इसका मतलब हर एक डिवीजन जो है बच्चा जी उसमें से उस डिवीजन में करंट की वैल्यू क्या है उसको हम बोलते हैं उसका फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर का, ओके, समझ में आई बात। अभी क्या होगा तो पहले बच्चा जी वो यहां से पूरा फ्लो करता था, ओके, पूरा फ्लो करवाता था अपने अंदर से कितना करंट गया तो पूरी डिवीजन देता था, अभी इसको मैंने साथ में अरेंज कर दिया तो अब क्या करेगा वो, अभी पूरा नहीं करेगा, अभी यहां से थोड़ा सा मेजर करेगा यहां तक पहुंचेगा, तो पहले क्या था, पहले था हमारे पास आईजी, वो क्या होगा एक की फिगर ऑफ मेरिट, एक डिवीजन की है, एक डिवीजन में करंट कितना है के है तो उसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, तो एक में ये होगा, टोटल कितने डिवीजन है एन है तो यहां पर एन साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ गया आईजी की वैल्यू, तो आईजी की वैल्यू यहां पर फिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आईजी की वैल्यू गिवन हो चुकी है तो वो क्या होगी के एन साथ में क्या जी अपॉन एस है, क्लियर होगी बात ये आपको अभी भी, और इसका मतलब आई एस है मेरे पास, ओके, आई एस है हमारे पास तो आई एस को एलिमिनेट कर देंगे इसी तरीके से, तो वो कैसे करेंगे हमारे पास पता है क्या आई क्या है, ये रहा I, तो ये I गया और ये I किसके बराबर होगा बच्चा जी आई जी प्लस आई एस, तो आई जी की वैल्यू क्या है N के, आई एस की वैल्यू क्या है आई एस, तो ये रहा I, तो यहां से आई एस तो कर दे एलिमिनेट, तो ये रहा कुछ, तो इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू होगी अभी यहां पर हम आई एस में फिल कर देंगे जाकर कहां पर यहां पर, तो वो क्या होगी देखिए यहां से इसको करेंगे आगे तो वो बनेगा बच्चा जी आई माइनस एन के इक्वल्स टू एन के साथ में आया जी अपॉन आया एस,
आई चाहिए हमें, तो यहां से फाइंड कर दो आई बच्चा जी, वो क्या होगा एन के साथ में आया जी, इधर जाकर हो गया एन के अपॉन क्या हो गया एस, तो आई क्या आ गया बच्चा जी एन के बाहर निकाला तो जी प्लस वन अपॉन एस, तो यहां से आपको आई की वैल्यू आ गई। अभी आई की वैल्यू कौन देगा, ये गैल्वेनोमीटर देगा, देगा ना अभी गैल्वेनोमीटर ये रीडिंग देगा, क्योंकि इकट्ठा कर दिया तो मीटर तो एक ही था, इकट्ठा कर दिया तो मीटर एक है, तो गैल्वेनोमीटर पहले भी क्या वैल्यू शो करता था, करंट की डायरेक्शन शो करता था, डायरेक्शन शो करने का मतलब क्या है कि वो बहुत सेंसिटिव था, हल्का सा करंट गया तो पूरा निकल जाता था इस साइड, अभी उसकी सेंसिटिविटी तो बरकरार है वैसे का वैसे ही है, बट बच्चा जी क्या कर दिया आपने इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस कर दी, रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस कर दी तो करंट हैवी से हैवी इसमें से अंदर से फ्लो इजीली कर सकता है, तो अब इसके अंदर से करंट ही उतना फ्लो करके जा रहा है, तो उसका मतलब ये पहले भी तो करंट की डायरेक्शन ही देता था तो वो पूरी देता था थोड़े से करंट के लिए भी, रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई थी, अभी रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस होगी तो ये थोड़ा सा देगा करंट की वैल्यू, अब ये थोड़ी सी करंट की वैल्यू देगा तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये क्या वैल्यू देगा कि इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो अभी आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, कहां पर करें, यहां पर करता हूं थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी माइंड में जो क्वेश्चन आएगा वो है वो ये कि सर पहले तो करंट पूरा फ्लो करता था यहां तक, और आपने बोला था जब गैल्वेनोमीटर केला था तो ये पूरी डायरेक्शन इस साइड को देता था पूरी, अब इकट्ठा कर दिया अब तो बच्चा अब ये थोड़ी सी दे रहा है, बट सर करंट तो ज्यादा है तो इसको तो ज्यादा देनी चाहिए, थोड़ी ना थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए, उससे भी ज्यादा देनी चाहिए, बट बच्चा जी हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो फिगर ऑफ मेरिट था कि उसकी वैल्यू अब क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, सॉरी इंक्रीज हो गई है, फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू क्या हो गई है, अब इंक्रीज हो गई है, मींस क्या, अभी उसकी मीटर की रेंज है ना हमारे पास, पहले तो पूरा यहां तक फ्लो करता था, तो इसका मतलब क्या था कि पर डिवीजन में के की वैल्यू क्या होगी, कम कम होगी, तो अभी जितना करंट उसके अंदर से फ्लो करता था उसको शो करने के लिए पूरा नीचे चला जाता था, अब क्या है के की वैल्यू बढ़ा दी गई है ऐसे प्रोसेस करने से, तो k की वैल्यू अगर बढ़ गई है बच्चा जी कैसे, अभी देखो i की वैल्यू बढ़ी है तो इसका मतलब k की वैल्यू भी बढ़ी है, क्योंकि तो i की वैल्यू ज्यादा थी k की वैल्यू भी ज्यादा है, तो अब बच्चा जी k की वैल्यू बढ़ गई है ज्यादा हो गई है, इसका मतलब पर डिवीजन में k की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब जिसका जितना इसके अंदर से करंट फ्लो करता होगा वो बच्चा जी इस मीटर के अंदर अंदर में कहीं कहीं पर शो हो गया हमें, ओके इस ये जो मीटर था हमारा इतना इसके अंदर कहीं कहीं पर हमें शो हो चुका है कि इसके करंट की वैल्यू क्या हो रही है, जस्ट क्या हुआ कि के की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया है, ओके अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है बच्चा जी कि अगर और इसके अंदर से करंट, अभी यहां पर मैं करंट की वैल्यू और बढ़ा दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू और बढ़ा दें, आप एस की वैल्यू बढ़ाते जाए तो इसकी वैल्यू जो करंट की जो इसके अंदर से फ्लो करता होगा वो हम इजीली यहां पर आता जाएगा, वो कैसे, अभी एस की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, अभी ये जो इसका मतलब मीटर की रेंज बढ़ जाएगी और तो ये इसको इसके अंदर कहीं पर भी शो करेगा, अभी मैंने क्या किया एस वही रखा, आपने यहां से करंट की वैल्यू बढ़ा दी, करंट की वैल्यू बढ़ा दी तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट एस वही रखा तो जो करंट यहां पर इसके मीटर की वैल्यू जो यहां पर आ रही थी तो अभी क्या होगी वो यहां पर ऐसे ऐसे शो होती जाएगी तो यहां पर पहुंच गया, अभी ये इसकी ज्यादा और रीडिंग दे नहीं पाएगा तो सच केस में आप क्या करोगे एस की वैल्यू और बढ़ा दो तो क्या क्या होगा कि मीटर की रेंज बढ़ जाएगी तो ये यहां पर कहीं पर फ्लो कर जाएगा, तो अभी आपने क्या किया करंट की वैल्यू सेम रखी हुई है जितना आपने हैवी रखा था, अभी मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूं तो ये क्या होगा बच्चा जी ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, क्यों, क्योंकि उसी मीटर की रेंज अभी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है का मतलब क्या कि के की वैल्यू भी बढ़ाते जा रहे हैं, के की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं का मतलब क्या तो वो जो करंट की वैल्यू होगी वो इसी रेंज के अंदर कहीं पर हमें शो होती जाएगी, क्लियर कर गया बात समझ में आ गई बच्चा जी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने अभी छोड़ दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये गैल्वेनोमीटर की एमीटर में कन्वर्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली बच्चा जी 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है,
तो इसको जो मैंने बोला है वो सभी थिंग्स को प्रॉपरली लिखना बच्चा जी। हर एक क्वेश्चन खुद बनाया है और खुद आपको सोल्यूशन दिया है साथ में। जैसे जैसे टॉपिक आगे चला गया, जो जो माइंड में क्वेश्चन आते गए वो हम बनाते गए और सोल्यूशन साथ में लिखते गए। कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में भी कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चा जी, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो वो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो इसको किया, अभी मैं इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करने जा रहा हूं, तो आप इसको अभी कर लें, लिख लें। अभी है बच्चा जी गैल्वेनोमीटर की वोल्ट मीटर में कन्वर्जन, तो वो कैसे होगी? वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस, वही क्वेश्चन, एमीटर की रेसिस्टेंस लेस। अभी वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस क्या होती है बच्चा जी? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से, अभी कैसे है, ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर भी रखा। ओके, वोल्टमीटर का काम क्या है बच्चा जी, कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाने नहीं देता, करंट लेस से लेस रखता है। वो कैसे? आर को इंक्रीज रख के, क्योंकि वो करंट इसके अंदर से नहीं फ्लो करना चाहिए। क्यों? जैसे हमारे पास कोई भी रेसिस्टर हो तो उसके साथ हम पैरेलल में वोल्टमीटर लगाने का मतलब क्या है बच्चा जी? अभी ये यहां पर लगा हुआ है, तो हमने चेक क्या करना है कि ये जो कोई भी हमारे पास बैटरी होगी, यहां पर भी एक रेसिस्टर लगा होगा, तो ये वोल्टमीटर का यहां पर लगाने का मतलब क्या है कि ये हमें बता सके कि ये कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, कितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है इस रेसिस्टेंस के। तो यहां पर बचा जी ये वी एस था हमारे पास, ये टोटल वी टी था, ये वी मान लो ये कोई रेसिस्टर हमारे पास एफ रेसिस्टर, तो ये वी एफ हो गया। तो इसके पास जो बच्चा जी रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी बच्चा जी? वी टी माइनस वी एफ, तो जो बची है वो इसके अक्रॉस आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे वी आर। तो ये जो वोल्ट मीटर हमने इसके पैरेलल में लगाया, तो वो हमें क्या बताएगा? ये वी आर की वैल्यू बताएगा। कौन? ये वाला वोल्ट मीटर। तो वो कैसे बताएगा? इसके अंदर से आई और आर, वी को स्वाई इंटू आर, कि कितना करंट इसके अंदर से गया और इसकी आर की वैल्यू कितनी है। तो अगर बच्चा जी ये खुद इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू लेस हो तो करंट तो इसके अंदर से चला जाएगा। अगर इसके अंदर से चला गया तो ये इस वाले केस में आर आई की वैल्यू लेस होगी, आई की वैल्यू लेस होगी तो ये इस वोल्टेज की पूरी वैल्यू अच्छी से नहीं बता पाएगा। देयरफॉर हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा क्या सीखना है कि वी की वैल्यू हर बार उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ताकि करंट इसके अंदर से ना फ्लो कर सके और करंट सारा सारा यहां से जाए, ताकि ये जो वोल्टमीटर है इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वी इक्वल्स टू आई इंटू आर वो बता सके। डन। तो क्लैरिफाई हो गया कि वी की वैल्यू, वी वाले केस में आर की वैल्यू ज्यादा होती है या लेस। डन कर लिया आपने, लिख लिया ये भी केस। तो अभी करें कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, उसकी आर की वैल्यू क्या है? उसका जो आर है उसकी वैल्यू बच्चा जी क्या होती है? रेसिस्टेंस जो है वीजी है उसकी वैल्यू है ज्यादा। ओके, अभी वो इतनी भी ज्यादा नहीं है कि मैं इसको यूज कर लू एज अ वोल्टमीटर। ओके, क्योंकि वोल्टमीटर जो है बच्चा जी उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा इन्फिनिटी, तभी तो इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो रहेगा वोल्टमीटर के अंदर से। तो अभी इसकी वैल्यू तो हमारे पास है आर, कुछ फाइनाइट है, कुछ हैवी अमाउंट की वैल्यू है, हाँ ठीक है, बट इन्फिनिटी नहीं है। तो बच्चा जी फॉर बैड केसेस हमें क्या करना पड़ेगा, एक शंट रेसिस्टर जो होगा हमारे पास, अभी शंट नहीं बोलेंगे, शंट वर्ड पैरेलल के लिए, हम एक रेसिस्टर लगाएंगे आर किसके साथ, किसी जी गैल्वेनोमीटर के साथ, ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ हम पैरेलल में नहीं सीरीज में लगाएंगे किसके, अभी हमारे पास तो बैटरी थी, ये वोल्टेज आईआर पैदा करेगी। ओके, तो ये जो करंट इसने पैदा किया वो क्या आईटी टोटल है, तो वो इसके अंदर से, अभी ये नहीं होता तो वो ये अकेला खराब हो जाता, क्यों? क्योंकि करंट अच्छे से अच्छा इसके अंदर से फ्लो कर जा रहा था। ओके, तो अभी किया क्या,
मैंने इस करंट को पूरा ही खत्म कर देना ताकि ये भी बचा रहे, तो वो कैसे हम पूरा खत्म कर पाएंगे, ये साथ में लगा दिया। अब ये साथ में लगा दिया तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा होगी, तो करंट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अगर ये इन्फिनिटी है तो करंट जमा ही जीरो हो गया, पूरे तरीके से जीरो हो गया, तो ये बच गया, तो इसको भी बचा भी लिया हमने। बट इसके अंदर से भी रीडिंग कोई नहीं आ रही, नहीं आएगी ना, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा, ये दोनों इकट्ठे हैं। तो बच्चा जी जो टोटल आर बनता होगा, तो ये वीटी होगा यहां वाले केस में, वो क्या होगा, आर प्लस जी होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी के बराबर, ताकि करंट क्या होगा एट दैट टाइम जीरो होगा पूरा पूरा से। तो अभी मैं इसका मतलब इसके अंदर से भी करंट फ्लो करना बंद हो गया, करंट फ्लो करना बंद हो गया, तो ये क्या बन गया, वोल्टमीटर बन गया। अभी क्या कर रहा, कोई हमारे पास रेसिस्टर है, उसको मैंने एफ रेसिस्टर बोल दिया, तो वो उसको मैंने यहां पर लगाया है। ये हमारे पास कोई बैटरी है वीटी, वोल्टमीटर लगाना कैसे पड़ेगा, अभी ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में लगाने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि करंट तो जीरो शो करता, तो यहां पर केस में जीरो शो करेगा, तो मैं पैरेलल में लगाऊंगा वोल्टमीटर को, तो ये वोल्टमीटर मैंने यहां पर लगाया। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है बच्चा जी एक आर है और साथ में एक जी है, ओके, इसको मैंने यहां पर लगा दिया। अभी करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा नहीं इन्हीं केसेस के कारण, तो करंट सारा यहां से जाएगा, ओके। तो ये दोनों इकट्ठे लग गए, तो यहां से इसकी वोल्टेज फाइंड कर देगा पैरेलल वाले केस में, वो कैसे फाइंड करेगा वो देख लेते हैं। अभी हमें पता है क्या बना, ये रहा आई जी पूरा पूरा हमारे पास, पहले देखिए पूरा पूरा हमारे पास आर टी क्या बना, आर प्लस जी हो गया, आर प्लस जी, ये रहा आर और ये रहा जी, ये हमने साथ में लगाया था। हमारे पास ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी को स्वाई इंटू आर, तो करंट फ्लो कर रहा है सेम, तो वो कितना है आई टी, ओके, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई टी इस वाले केस में, यहां पर बोल रहा हूं फिलहाल मैं बचाइए, तो करंट गया आई टी। तो आर हमारे पास यहां पर क्या बना, ये रहा आर प्लस जी, तो वी अपॉन आई टी क्या बना, आर प्लस जी, ओके। तो वी हमें यहां से चाहिए था, तो ये गया बच्चा जी आई टी करंट गया, ओके। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अभी आई टी और साथ में यहां पर अगर मैं यहां पर माइनस जी इस साइड दे दू, तो मेरे को आर की वैल्यू भी आ जाएगी, आर की वैल्यू मैंने कितनी रखी, अगर मेरे को आर की वैल्यू गिवन पता है, आर की वैल्यू कितने है, जी की वैल्यू भी हमें गैल्वेनोमीटर की पता है, तो ये आई टी की जो वैल्यू है, ये जो यहां से करंट में फ्लो करके बनी, तो ये जो वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वी जी कितना होगा, जितना ये था उतना ही वी ये होगा। कैसे, यहां से आई टी गया, यहां पर पहुंचा, यहां पर ये पूरी पूरा क्या बन गया, वोल्टमीटर, ओके। तो वोल्टमीटर बन गया, तो इसका मतलब वोल्टमीटर के अंदर से करंट जीरो है, तो ये पूरा पूरा क्या बन गया, यहां से गया यहां पर जाकर करंट रुका है, तो ये एक तरह से नेगेटिव प्लेट हो गई, तो ये फिर से एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, तो इसके अंदर से करंट फ्लो करता हुआ फिर यहां से इधर को निकला, तो ये पॉजिटिव से निकलता हुआ फिर यहां पर पहुंचा, तो ये एक तरह से क्या बन गया बच्चा, ये वोल्टेज ही तो बन गई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, वो क्या था, जो ये वाला था हमारे पास वीटी था, वो हमारे पास क्लैरिफाई हो गया। अब एक बात और ध्यान में रखो बच्चा जी, इस वाले केस में तो ये हमारे पास जो बना, ये बना पूरा अच्छे वाला वोल्टमीटर, बढ़िया वाला, ओके। बट जैसे जैसे मैं इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने की कोशिश करूंगा, मुझे आर की वैल्यू बढ़ाते जाना है, बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा बच्चा जी, अभी यहां पर मेरे पास आई टी था, हैवी अमाउंट का करंट था, अगर ये नहीं होता तो ये सड़ जाता, ओके। बट मैंने यहां पर आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, उसका मतलब मैं इसके साथ अभी रेसिस्टेंस की वैल्यू और इंक्रीज कर रहा हूं, और इंक्रीज करने का मतलब क्या कि ये बढ़ती जा रही है आर की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू क्या कम होती जा रही है, ये एच हीटिंग प्रोडक्ट उतना ही है जो कि 500 से छोटा था, सपोज किया था हमने ये, ओके। तो बचा ली, इसमें से अभी करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, और उस वाले केस में ये आई टी क्या बनेगा, आई जी बनेगा, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होकर जाएगा लेस वैल्यू का, ओके।
तो वो आईजी क्या होगा एट दैट टाइम, जितना ये इसके अंदर से फ्लो करता होगा वो डिपेंड होगा किस पे, के के इसका जो क्या था फिगर ऑफ मेरिट और इसके नंबर ऑफ डिवीजन के ऊपर। तो आईजी क्या आएगा हमारे पास एन ए टू के, तो यहां पर ये आईटी की वैल्यू क्या होगी एट दैट टाइम आईजी, तो वो क्या होगी एन इन टू के। तो क्लैरिफाई हुई बात समझ में आई कि यहां पर बच्चा जी हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर मैंने इसको वोल्टमीटर बहुत अच्छा बनाना है तो इस वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे बनाने का मतलब क्या कि अगर ये किसी रेसिस्टर के साथ मैं पैरेलल में लगाऊं तो ये जितनी वोल्टेज ये है उतनी ही ये शो करे। ओके, तो वो कैसे शो करेगा, अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी मतलब इसके अंदर से करंट बिल्कुल जीरो हो गया, तो ये जितनी वैल्यू ये होगी ये किसी रेसिस्टर के साथ अगर मैं इस वाले केस को लगाऊंगा तो ये उतनी ही वैल्यू शो करेगा। डन, तो वो कैसे शो करेगा, मैंने इसके साथ लगाकर देख लिया तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी, तो आईजी की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, आईटी की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, इसका मतलब जितनी वोल्टेज ये थी उतनी वोल्टेज ये बनी, क्योंकि यहां से जाकर वो यहां पर खत्म हुई, यहां से फिर चलकर यहां पर खत्म हुई, तो एक तरह से जितना ये वोल्टेज था क्योंकि यहां पर जो करंट गया और यहां से जो करंट आया उतना सेम सेम है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं खाया गया, यहां पर कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आया, तो इसका मतलब जितनी ये वी थी उतनी ही वी यहां पर है। समझ में आई बात, क्लियर क्लैरिफाई हुई बात। तो यहां से बचा जी हमारे पास आईजी की वैल्यू तो हमें यहां पर हमेशा यहां से मिलती जाएगी। ओके, तो देयरफॉर जैसे हमारे ऊपर डिपेंड है अभी ये भी एक तरह से वोल्टमीटर का मीटर, फिर वैसे ही शो होगा जैसे गैल्वेनोमीटर शो करेगा ना यहां पर ऐसी वैल्यू, तो वो बच्चा जी अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां पर बहुत ज्यादा वो हैवी अमाउंट की वोल्टेज है, तो बच्चा जी वो उससे क्या होगा करंट हैवी अमाउंट का प्रोड्यूस होगा, तो वो यहां पर ना पहुंच पाए, इसलिए हमें आर की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी ताकि क्या हो सके, ये जो मीटर अभी मान लो मैंने आर की वैल्यू नहीं बढ़ाई, यहां से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती गई करंट बढ़ता गया, तो ये क्या होगा इस मीटर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जैसे एमीटर वाले केस था। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये जो नीडल था इसके अंदर ही कहीं पर रह सके। तो देयरफॉर जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ाती जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, उन सभी केसेस में क्या होगा बच्चा जी, ये जो वोल्टमीटर वोल्टेज की वैल्यू है, ये वोल्टमीटर उसकी रेंज उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये वो जो नीडल है उसके अंदर में ऐसे ऐसे फ्लो उसके अंदर में ही करेगी, जितनी इसकी क्या है जगह है जहां पर नीडल घूम सकती है। क्लियर हुई बात, जो आपकी लैब में वोल्टमीटर पड़े होंगे वो बच्चा जी आप जो बैटरी उसके साथ अरेंज करो, तो आपने मान लो 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 की लगाई, 15 की लगाई, 20 की लगाई, तो बच्चा उसके साथ क्या होगा वो जो वोल्टमीटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वोल्टमीटर मान लो एक तरह से वोल्टमीटर कैसे बना है, वो आपने मान लिया वो बना है गैल्वेनोमीटर के साथ, कोई रेजिस्टर उसके अंदर अटैच किया वैसे बना है ताकि उसके अंदर से करंट फ्लो करना सके, तो आपने बच्चा 10 या 15 वोल्ट का कोई भी हमारे पास बैटरी लगाई, तो उसकी रेंज है कि वो 10-15 तक शो करेगा, मींस उसकी रेंज है कि 15 वोल्ट तक वो शो कर सकता है, तो आपने 15 तक अगर कोई बैटरी लगाओगे तो वो उसके अंदर इजिली शो करता जाएगा। अगर आपने कनेक्टिंग वायर्स अभी क्या लगाई है वो उसकी रेसिस्टेंस नहीं है, उसकी रेसिस्टिविटी नहीं है, वो बहुत अच्छी वायर्स है, वो कोई भी नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस दे रही है एट दैट टाइम, जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू ये शो करता जाएगा एमीटर, जो हमारे पास जो वोल्टमीटर बना है गैल्वेनोमीटर और एक साथ में रेसिस्टर लगाने के साथ। बट अगर आपने बच्चा जी बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की और उसकी रेंज है 15 तक, तो आप एट दैट टाइम क्या करोगे, आप उसके साथ एक और रेसिस्टर लगा दो, क्या पैरेलल में लगा दो, साथ में एक और रेसिस्टर लगा दोगे आप, तो उससे क्या होगा रेसिस्टर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी, जीरो होती जाएगी, तो साथ में लगाने का मतलब क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी, ये दोनों सीरीज में हो गए तो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होने के साथ क्या होगा कि अब भी जो वोल्टमीटर की जो नीडल है वो उस जो हमारे पास जो स्पेस है जहां तक नीडल घूम सकती है उसके अंदर अंदर कहीं पर भी रह सकती है। तो ये हो गई हमारी कन्वर्जन बच्चा जी गैल्वेनोमीटर की एमीटर और वोल्टमीटर में। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना बच्चा जी, और सब्सक्रिप्शन के ऊपर ध्यान देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और एंजॉय करें स्टडी को बच्चा जी। बाय बाय।